भाजपा के नेता आते हैं कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की, 18 सालों से जहां मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है डबल इंजन की, वहां ना एक इंजन चल रहा है ना दूसरा, तेल खत्म ही हो गई है इनकी इंजन की। 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आ रहा है, 2 साल पहले बड़ी स्कीम कर दी, ऐसी स्कीम सिर्फ चुनाव के 2-2 महीने पहले क्यों लाती? जब सालों से इनकी सरकार रहती है तब ना किसानों के लिए स्कीम, न महिलाओं के लिए स्कीम, न मजदूरों के लिए स्कीम। 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आए? जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है, केंद्र सरकार की, मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है। समाज में हमें लड़ना है इस समस्या के खिलाफ, महिलाओं के लिए समाज में पहले लड़ना है और फिर सारी सरकारों को लड़ना है इसके खिलाफ, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। महिलाओं की जो बात मैंने कही कि महंगाई का बोझ आप उठाती हो, समाज का बोझ आप उठाती हो, परिवार का बोझ, बच्चों की परवरिश का बोझ भी आप ही उठाती हो, तो आपके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं आप देखिए, इनके जो प्रदेश है मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है 18 सालों से, बहनों 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आ रहा है, 2 साल पहले बड़ी स्कीम कर दी कि भाई ये लाडली स्कीम है, इसमें हर महीने आपको पैसा मिलेगा, महिलाएं खुश भी हो गई। लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसी स्कीम, इनके जो सरकार है ऐसी स्कीम सिर्फ चुनाव के 2-2 महीने पहले क्यों लाती है? जब सालों से इनकी सरकार रहती है तब ना किसानों के लिए स्कीम, न महिलाओं के लिए स्कीम, न मजदूरों के लिए स्कीम। अब देखिए, मैंने शुरू में ये बात की कि कैसे फैसला करोगे, मेरी बातें सुन रहे हो, उनकी बातें सुनते हो, कैसे फैसला करोगे कि सच्चाई क्या है? इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि पब्लिक जागरूक बने, आपकी जागरूकता, आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। तो इसमें देखिए समझने की बात है, ये लोग कहते हैं महंगाई बहुत है भाई, प्रदेश की सरकार आपकी मदद नहीं करती, लेकिन मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, जो GST की टैक्स है, जिस जो हर चीज पे लगी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है, वो सब केंद्र में जाती है। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं करती, मोदी जी की सरकार तय करती है। डीजल का दाम मोदी जी की सरकार तय करती है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल कितने का है? 110 रुपए का है। यहां राजस्थान में कितने का है? कम है मध्य प्रदेश से। ये लोग मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान में पूरे देश भर में सबसे अधिक है। सच्चाई नहीं है बहनों और भाइयों, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में डीजल 95 रुपए में है, यहां पे आपका 93 में है, यहां कम है वहां ज्यादा है। तो दुनिया में, देश में महंगाई, ये जो सस्ता तेल मिल रहा है, सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इसका दाम यहां आके कैसे बढ़ा? केंद्र की सरकार बढ़ाती है, इसमें अगर आपको कुछ राहत मिल सकती है तो वो प्रदेश की सरकार दिलवाती है। महंगाई से राहत राजस्थान में प्रदेश की सरकार ने दिलवाई। पहले आप गई होंगी, महंगाई राहत कैंप लगे थे आपके गांव में? लगे थे? महंगाई के राहत के कैंप प्रदेश की सरकार ने लगाए, किस लिए? ताकि आपको जो केंद्र की, मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है, उससे आपको राहत मिले। तो जागरूक बन जाओ,
जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पेट्रोल डीजल के दाम भी ज्यादा हैं, यहां थोड़े कम हैं। यहां पे आपको कई चीजें कम के दाम पे मिल रही हैं क्योंकि आपके महंगाई राहत कैंप लगाए। भाजपा के नेता आते हैं कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की, 18 सालों से जहां मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है डबल इंजन की, वहां ना एक इंजन चल रहा है ना दूसरा, तेल खत्म ही हो गई है इनकी इंजन की। सोच लीजिए, जागरूकता की मैंने बात की, पहले सिलेंडर कितने का मिलता था, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी यूपीए की तो सिलेंडर कितने में मिलता था, 400 का, आज देश भर में 1200 का मिल रहा है। पहले पेट्रोल कितने का मिलता था, 60 रुपए का, आज देश भर में इनकी वजह से 110 रुपए का मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जब मोदी जी आते हैं मंच पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आपसे देश की जो संपत्ति है उसमें से इन्होंने खींच के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? वो नहीं लेते। देखिए, हमें चिंता किस बात की है, हमें चिंता किसान की है, देश के मजदूर की है। ये जो तमाम नौजवान खड़े हैं यहाँ, आपके भविष्य की चिंता है। कारीगर, लोहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, नाई, आप सबकी चिंता है, मालियों की चिंता है, धोबियों की चिंता है, मिस्त्री की चिंता है, मैकेनिक्स की चिंता है, मूर्तिकारों की चिंता है, दुकानदारों की चिंता है, छोटे छोटे उद्योगपतियों की चिंता है जो ईमानदारी से अपना कारोबार अपने हाथों से बनाते हैं। हमें आप सबकी चिंता है, जो झुग्गियों में रहते हैं उनकी चिंता है, जो गांव में रहते हैं उनकी चिंता है। हमारी पार्टी की एक बहुत पुरानी परंपरा है और वो परंपरा गांधी जी के समय से है कि गांव को मजबूत करो, जनता की शक्ति जनता के हाथों में दो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है। ये कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक मंत्री के दिल दिमाग में ये बात बसी हुई है कि जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आपके मदद के लिए है। लेकिन आज जो पूरे देश में हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकारें हो, वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है, आज गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है उनकी सरकारों में। हम चाहते हैं कि देश के खेत खलिहान, देश के नदी, देश के नाले, जंगल, देश के जो राजमार्ग हैं, जो हवाई मार्ग हैं, जो जल मार्ग हैं, जो बंदरगाह हैं, जो एयरपोर्ट है, जो रेलवे है, जो ट्रांसपोर्ट है, देश की जो मीडिया है, जो बाजार है, जो व्यापार है, जो खजाना है देश का, तो जो देश की सारी संपत्ति है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में रहे। और आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। आप देश के बंदरगाह पूछिए आज किसके हैं, किसके हैं आप बताइए मुझे, अडानी जी के हैं, किसने दिए उन्हें? देश के हवाई अड्डे किसके हैं, किसने दिए उन्हें? किसकी संपत्ति थी? आपकी थी। ये सारी संपत्ति आपकी है, सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों के दे रहे हैं। किसान की बात होती है कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है,
उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए इस सरकार की नियत ठीक नहीं है, केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है। देखिए आज देश की जितनी संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू हैं, आस्ते आस्ते इनको बेच रहे हैं, कोड़ियों के दाम पर दे रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको मालूम है भाइयों, मेरे किसान भाई हो यहां, आज औसत देश का किसान एक दिन में कितने रुपए बनाता होगा बताइए? कितने? 27 रुपए। आज देश का किसान एक दिन में औसत 27 रुपए कमा रहा है। नौजवानों, खास तौर से मेरी बात तुम सुनो, सुनो, नहीं बहुत जरूरी बात है। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में, और अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप 27 रुपए कमा रहे हैं। सुनवाई किसकी हो रही है? उनकी हो रही है। सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। कर्ज माफ किसके हो रहे हैं? उनके हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। किसानों ने आंदोलन किया था, पिछले साल की बात है, आंदोलन किया था, अभी तो 2 साल निकल गए, आपको याद है, लाखों किसान सड़कों पे उतरे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। इनके मंत्री के बेटे ने उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। उस मंत्री को क्या इन्होंने पद से हटाया? उन्हीं दिनों में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ किसानों को, उन्हीं दिनों में लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम किया, उनके मंच पे बैठा था वो मंत्री जिसके बेटे ने 6 किसानों को कुचला। ये आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के पास था, होगा कुछ 4-5 किलोमीटर दूर। महीनों से किसान बैठे रहे, धूप में बैठे, सर्दी में बैठे, पानी काट दिया गया उनका, बिजली नहीं थी, कोई आया उनकी सुनवाई करने के लिए? मोदी जी ने कष्ट किया? नहीं किया भाई और बहनों, मोदी जी निकले नहीं अपने घर से। वो आंदोलन क्या था? वो जो 3 काले कानून थे जिससे किसानों की कमर टूट जाती, उनके खिलाफ था। वो कानून वापस कब लिए मोदी जी ने? समझ लीजिए पूरा खेल, वापस तब लिए जब 2 महीने में विधानसभा का चुनाव आ रहा था यूपी का। जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था तब मोदी जी को पहचाने कि भाई इससे तो मुसीबत हो जाएगी, कहीं हम चुनाव ना हार लें, चलो ये कानून वापस ले लेते हैं। तब तक सुनवाई नहीं थी।